दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल। यहाँ पर देख लेते हैं आज की सुबह की खबर में। आज है जो है, आज देख लेते हैं शिक्षक साथी के लिए जो है 3 चरणों में देनी होगी परीक्षा। मतलब क्या है कि मैंने जो रिटायरमेंट वाले शिक्षक हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है शामिल होंगे। और लिखा हुआ है कि इसमें शिक्षक साथी चयन के लिए जो है रिटायर्ड शिक्षकों के 25 नवंबर को आवेदन मांगे गए हैं। जितने भी जो रिटायरमेंट वाले हैं उन सब का जो है इसमें सलेक्शन हो जाएगा और यही पढ़ाएंगे, नई भर्ती नहीं होगी इसमें। और सैलरी इसमें जो जो दी जाएगी इन 25,000 रुपये इनको जो है मानदेय मिलेगा। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ कि रिटायर्ड गुरुजी जो है परीक्षा पास करके बनेंगे शिक्षक साथी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 चरणों में परीक्षा होगी, 25,000 रुपये इनको जो है मानदेय दिया जाएगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग जो स्कूल होता है उसमें देख लीजिए कि 5 तक जो है इसमें एक शिक्षक है सिर्फ। नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने यहाँ पर लिखा हुआ कि शॉर्ट हैंड परीक्षा जो है 23 व 24 नवंबर को कराई जाएगी UPSI की। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो पुलिस लाइन में 90% अभ्यर्थी अनफिट एडी हेल्थ। और लिखा हुआ दरोगा भर्ती में मेडिकल का खेल। मतलब क्या है कि दरोगा भर्ती में जो है जो बच्चे मेडिकल में बाहर हो गए थे उन सबको जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो दोबारा ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिकल बोर्ड के सामने 56 आवेदन आए थे जिनमें से एक अभ्यर्थी गैर हाजिर था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा इनका जो हो रहा है और यहाँ पर इनको जो है पास कर दिया बेचारा जान पूछ कर। और वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको जो है जान पूछ कर जो है मेडिकल में जो है फेल किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपने जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि ITI में जो है 21 को रोज़गार मेला। तो बात हो रही है इसमें ITI में जो है रोज़गार मेला लगेगा उसमें आपको जो है अलीगंज में और 21 नवंबर को लगेगा। तो यहाँ पर 20,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है यहाँ पे कंपनियों की तरफ से जो है न्यूनतम वेतन 10 से 20,000 रुपये जो है आपको तक मिलेगा। ये कंपनियाँ जो होंगी वो अहमदनगर, महाराष्ट्र, कोटा यहाँ पे सबको आई जाएंगी। अपनी जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 200 पदों पर जो है आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप भी इसमें अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे 10 दिसंबर 2022। आवेदन की जो है इसमें शुरू से लेकर 24 दिसंबर जो है 10 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में इसमें आवेदन कर सकते हैं। 24 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है और ये इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। एक भर्ती और आई है यहाँ पर जो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3,177 पदों पर जो है नर्सिंग ऑफिसर व फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती आ चुकी है। 18 से 40 वर्ष इसमें जो है न्यूनतम आयु बताई गई है। और सबसे नीचे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है यहाँ से जाके अपना जो है फॉर्म आप जो है भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा आज की जो है अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लिखो 61% जो परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। यहाँ पे देख लेते हैं स्टेनोग्राफर की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक भर्ती आई थी संविदा की 2,271 पदों पर जो है ANM की भर्ती वो रद्द कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें जो है इसमें ये भर्तियाँ जो है निरस्त कर दी गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भर्तियाँ ये जो है निरस्त कर दी गई हैं। पैट से जो है पैट विद्यार्थियों ने जो परिवहन की तरफ से जो सुविधा का जो है इसमें हाईकोर्ट में जो असुविधा हुई थी वहाँ पर उन्होंने बताया। हाईकोर्ट ने जवाब तलब मांगा कि बच्चे सही तरीके से टाइम पर नहीं पहुँचे पैट के एग्जाम में, लड़कों ने डायल कर दी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।